सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V40 डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर गूगल फाइल पासवर्ड को रीसेट कैसे करेंगे। गूगल फाइल पासवर्ड की हम बात करें तो सेव फोल्डर पासवर्ड की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको यहां पर सर्च करना है फाइल। तो ये फाइल मैनेजर एप्लीकेशन की जगह पर ये गूगल फाइल का ये ऐप दिया गया है और ये बिल्कुल ही प्रीमियम है, कह सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, इससे आप जो है आसानी से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इवन गाइस यहाँ पर मेमोरी वगैरह का भी ऑप्शन है जो इंटरनली आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेव फोल्डर, इसके अंदर हम फोटोज़ एंड वीडियोस भी लॉक कर सकते हैं। कुछ पर्सनल आपका है तो कर सकते हैं। हालांकि अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ 3 डॉट के साइन पर जाना, हाइड फोल्डर है, इसको प्रेस कर देंगे तो फोल्डर ही हाइड हो जाएगा। इसको शो करेंगे वापस ही आ जाएगा। तो इसमें भी आपने फोटोज़ एंड वीडियोज़ वगैरह कुछ भी समथिंग यूज़ कर सकते हो अगर करना है तो। अब यहाँ पर आएंगे, कंडीशन ये है कि इसके अंदर पहले हम हाइड करना सीखेंगे। इसके लिए इसको प्रेस करना है, पिन या पैटर्न नाम का ऑप्शन आ रहा है, तो कोई एक पिन या पैटर्न बनाएंगे। मैं ऐसा डेमो पिन बना लेता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं। पिन बना के वापस सेम करना है, कंफर्म पिन वही नेक्स्ट कर देना है, गॉट इट पे चले जाना। अब ये फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर इमेजेस और वीडियोस को लाते कैसे हैं उसको देखेंगे। मेरे केस में क्या है कि इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही हैं। जिस भी इमेज को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे इस टाइप से एंड 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर मूव टू सेव फोल्डर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ये फाइल मूव हो जाएगी हमारे सेव फोल्डर में। अब इसको व्यू करने के लिए सिंपल इस पर प्रेस करना है और यहाँ पासवर्ड एंटर करना है, नेक्स्ट कर देंगे तो ये फाइल आ चुकी है जो हमने वहाँ से हाइड करी थी। गाइस प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर अगर इसका पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उसको क्या फॉरगेट कर सकते हैं, ऐसे बहुत कॉमेंट्स आते हैं हमारे पास। तो देखो गाइस, ये फॉरगेट नहीं होता, डायरेक्टली ये रीसेट होता है। जैसे कि जो फाइल हमने इसके अंदर डाली हुई है वो कम्प्लीटली परमानेंट डिलीट हो जाएगी और वापस से हम सेव फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो किसी भी तरीके से ये रिकवर नहीं हो सकता, इसलिए जब भी इसका पासवर्ड बनाए इसको नोट डाउन रख ले। वापस से इसको रीसेट करने के लिए 3 डॉट साइन पर जाना है, ऊपर सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, सेव फोल्डर मिलेगा इसको प्रेस करना। अगर लॉक आपको पता है तो चेंज लॉक पर क्लिक करके लॉक को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज रीसेट सेव फोल्डर पर जाएंगे। ऑल फाइल इन सेव फोल्डर विल बी परमानेंटली डिलीटेड, यहाँ पर आपको नोटिफाई कर दिया गया है। यू विल लॉस ऑल फाइल करंटली इन सेव फोल्डर एंड यू एंड योर लक विल रीसेट। तो अब यहाँ पर इसको लॉक रीसेट करेंगे हम, इसको प्रेस कर देंगे, सेव फोल्डर रीसेट हो जाएगा। वापस से जाके उसके अंदर पासवर्ड वगैरह बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं।